नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज। धार के भोज चिकित्सालय में आज जिले के नेत्र रोगियों को एक नई सौगात मिली है। अब से धार के जिला चिकित्सालय में मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हो सकेगा। आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK सरल ने मोतियाबिंद का प्रथम ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। देखे खबर SKP लाइव न्यूज पर। इंदौर जा नहीं पाया, यहीं मतलब यहीं हो गया शुरू। स्टार्टिंग में बोले यहीं है, तो हमने क्या ठीक है यहाँ है तो और बढ़िया है। पास को कभी मान लो कम नहीं आ रहा, क्या हो जाए कर जाए तो हाथ में ले जा सकते हैं हम घर पे आराम से। यहाँ हो गया तो और सबसे बढ़िया, परेशान नहीं होने। तो घर वाला ही परेशान, फ़ोन वगैरह करे हम भी परेशान। नाम बताओ। मेरा नाम मिनका। आपका? मेरा नाम चंपा लाल। और पेशेंट का? अच्छा है यहीं। जैसे ये सब इंदौर जाते थे, पैसा वगैरह खर्चे होते थे, सब बहुत दूर थे, ऐसा परेशानी भी होती इनको, मोबाइल वगैरह नहीं रहता। अब तो पास में धार में यहीं होने सुविधा हो गई, अच्छी बात है। नाम बता। नाम मनीष है। यहाँ से मोतियाबिंद की जो सर्जरी है वो स्टार्ट हो गई है। पहले यहाँ 8 साल से ये ऑपरेशन थिएटर बंद था। हालांकि पूर्व में भी 2 सर्जन थे तो वो प्रशिक्षित नहीं थे, जिसमें से एक डॉक्टर बोरासी को मैंने प्रशिक्षण के लिए भेजा है। और मैं स्वयं भी नेत्र विशेषज्ञ हूँ, तो मैं काफ़ी 4 महीने से प्रयास में था कि OT स्टार्ट हो जाए। OT काफ़ी उसको रिनोवेट कराया उसमें, और OT का जो सामान है वो मंगवाया, इसमें सभी लोगों का RMO वगैरह का सहयोग रहा, और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और लेंस वगैरह सब हैं अपने पास, लेंस हम लगाएंगे। जो ऑपरेशन बाज़ार में 10 या 20 हज़ार के बीच में होता है वो यहाँ निःशुल्क होगा। सर कितने हफ्ते में कितने दिन OT चालू रहेगा? OT में मेरा प्रयास रहेगा कम से कम हफ्ते में 2 बार OT मेरे द्वारा की जाए, क्योंकि मेरे पास जिले का भी प्रभार है, तो लोगों को 5-10 का ऑपरेशन